कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एज अ शो एज अ रश्मि को एज अ कंटेस्टेंट देखूँ. हर मेंटल पीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आई वुड वॉन्ट टू टॉक टू रश्मि. गेम सब खेल रहे हो, दोस्ती रिश्तेदारी इमोशन सब साइड में, कहीं ये कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं है? बिग बॉस के बारे में क्या कहेंगे कि रश्मि का गेम इस हफ्ते कैसा लगा आपको? जब ये कहते हैं कि बिग बॉस में रश्मि का गेम कैसा लगा, तो वही अपने आप में मुझे ये होता है कि यार अभी मैं कैसे समझाऊं कि गेम चल रही है, प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है, या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एज अ शो एज अ रश्मि को एज अ कंटेस्टेंट देखूँ, एज अ प्लेयर देखूँ, एज माई सिस्टर देखूँ. तो वेरी मिक्स्ड इमोशंस फॉर मी टू अंडरस्टैंड टू गॉज रश्मि एट दिस मोमेंट कि एक्चुअली वो जो महसूस कर रही है वो मैं राइट महसूस कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो प्लान है उसका, एक्चुअली उसकी स्ट्रैटेजी है. तो बिकॉज आई एम अ ब्रदर, सो फॉर मी टू सी रश्मि विनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हर मेंटल पीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So I have not met her, so it's been almost 12 weeks, I feel. 12 weeks, more than 12 weeks, and we are entering 13 weeks. So it's a very far, I feel it's a long distance relation now. Okay, I would want to talk to Rashmi, and I would want to understand that jo bhi cheeze bahar hui hai, TV pe hui hai, uska thoda sa khulasa karna chahta hu. As a brother, I'm slightly concerned about her. अब जाना चाहिए उनका गेम आपको किस तरह से लग रहा है? क्या वो जो उनका जो उनकी फ्रेंड है आरती, उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो क्या लगता है अब तक जो आरती उनकी मेन सपोर्ट रही है वो थोड़ा सा अलग हो रही है हमसे, क्या कहेंगे? गेम एक है, शो एक है, विनर एक ही होने वाला है. तो गेम्स, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब होने वाली है, और शो के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है. मैं पहले भी बोल चुका और अब भी बोलूंगा, विनर एक ही है. विनर में दोस्ती, दो दोस्त, जो जीतने वाला ट्रॉफी वो अपने दोस्त को लाके खड़ा करके नहीं बोलेगा कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ ट्रॉफी शेयर करो, कभी नहीं होता. इसलिए देयर इज ऑलवेज वन नंबर वन, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी फाइटिंग दैट टू बी द नंबर वन इन द नेक्स्ट कमिंग 4 weeks. आपको कौन लगता है जितना देखा सीजन है, कौन सीरियस खेल रहा है और कौन अब बिल्कुल खेल नहीं रहा? ये होगा मिसजज करना किसी को. गेम सब खेल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी माइंड की बैटल चल ही रही है सबकी, और कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है वो तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन्हें अंदर पता है कि कौन कैसे प्लान कर रहा है, किसे तोड़ना चाहता है, किसे वीक करना चाहता है. अब तक जितने लोग हैं वो 12 हफ्ते टिके हैं, अब 4 हफ्ते के लिए कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है. तो दोस्ती रिश्तेदारी इमोशन सब साइड में, अब वो 4 हफ्तों में विनर की ट्रॉफी दिख रही सबको. अच्छा एक बात जानूंगी आपसे, जिस तरह से आप सिद्धार्थ को भी जानते हैं, तो ये जो सिडनास का एक बॉन्ड दिख रहा है ऑन स्क्रीन, क्या लगता है कितना सही हो सकता है या गलत हो सकता है ये जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, कि क्या कहेंगे? दोस्ती मान सकता हूँ मैं जहाँ तक दोस्ती की बात है, पर फिर से दिमाग में वही शक पैदा होता है कि कहीं ये प्लानिंग तो नहीं है, कहीं ये गेम तो नहीं है, कहीं ये कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, मतलब फैंस को पसंद हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा घूमती रहती है. एंड आई फील कि आप एक टाइम के बाद अवेयर हो जाते हो कि ये शायद स्ट्रैटेजी होगी, तो अगेन नोटिस करेंगे. रश्मि के व्यूज को क्या कहेंगे, किस तरह से वो उन्हें सपोर्ट करें और आप अपने तरफ से क्या मैसेज देंगे? मैं रश्मि के व्यूअर्स से सारे कहना चाहता हूँ कि आप रश्मि को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. एज अ ब्रदर तो ऑफकोर्स आई एम सीइंग दिस, बट एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर ऑल्सो आई एम सीइंग दिस, बिकॉज रश्मि हैज़ गिवन अ लॉट टू दिस इंडस्ट्री, एंड इट इज़ टाइम फॉर अस टू गिव हर मैक्सिमम वोट्स एंड टेक हर टू द फाइनल्स. एंड ऑफकोर्स अगर किस्मत में साथ दिया तो फाइनल की ट्रॉफी भी घर ले आएगी रश्मि.